ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम राम। राम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में। इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में, इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो यमुना बहन, हमारे आज के फोन इन कार्यक्रम का विषय है गन्ने की कटाई करते समय सावधानियां। और आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा उत्तर प्रदेश। और इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी काम है कि हमारे श्रोताओं को हमारा नंबर पता होना चाहिए, जिससे वो अपने विषय को, जो भी विषय है उसके संबंध में वो प्रश्न अपना पूछ सकें। तो उसके लिए हम फोन नंबर हम बता रहे हैं, उसे नोट करें। हमारा कोड है 011 और जो नंबर है 2342108 2, मतलब 2342108 2, और दूसरा जो नंबर है 2342108 3। जी, तो गन्ने की कटाई करते समय सावधानी जो भी है उस विषय से संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, सीधा हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो कहते हैं ना कि कोई बात होती है जब आरती खास करके, और जो खास बात है आज का जो दिन है वो खास हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए है, क्योंकि आज जो है 15 अक्टूबर है। और 15 अक्टूबर जिसमें अगर देखा जाए तो हमारी ग्रामीण महिलाएं उनके परिवारों और पूरी ग्रामीण समुदाय के कल्याण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम सभी मना रहे हैं। और जो कि हमारी बहनें हैं वो खेत के बुवाई कटाई मड़ाई से लेकर हर काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ये खास दिन उन्हीं के लिए है। जी बिल्कुल यमुना बहन, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर जो खेती के काम है, सिंचाई की बात हो, अगर अब बात हो बिजाई की, तो सभी काम जो है वो एक साथ मिलकर कर रही हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं हम हमारे विशेष फोन इन कार्यक्रम की ओर, और चलते हैं सीधा हम अपने विशेषज्ञों के पास। किसान भाइयों राम राम। और गन्ने की कटाई करते समय सावधानियां विषय पर आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी। आपका कार्यक्रम में स्वागत है डॉक्टर साहब। मेरा भी सभी किसान भाइयों को अरविंद कुमार मिश्रा की तरफ से हार्दिक नमस्कार, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर भी मेरे सभी किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कार्यक्रम है, मैं चाहता हूँ कि सभी किसान भाई इसमें अधिक से अधिक प्रश्न हम लोगों से पूछें, जिससे उनकी शंकाओं का समाधान हो सके। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। और आप प्रभारी हैं, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा में, और निश्चित तौर पे आपको किसानों की समस्याओं का समाधान हमेशा करते रहते हैं। आपके बहुत से ऐसे किसान हैं जो प्रतिदिन उनसे आपका सामना पड़ता रहता है जी, और कहीं न कहीं मुखाबित होते रहते हैं। और जिस तरीके से हमारे जो साथी कंपेयर हैं उन्होंने बताया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है, और निश्चित तौर पे चाहे खेतीबाड़ी हो, चाहे पशुपालन हो, और चाहे बागवानी हो जी, सभी में महिलाएं निश्चित तौर पे किसानों के साथ पूरा काम करती हैं। बहुत, इसमें कोई शक नहीं है कि खेती के अंदर महिलाओं की बड़ी ही अग्रणी भूमिका है, और इसमें महिलाएं बहुत अच्छा कृषि के अंदर काम कर रही हैं। ये आप देखिएगा कि चाहे दूध निकालना हो, या मशरूम की खेती करना हो, या सब्जी का की खेती हो, आप देखेंगे महिलाओं की जो भूमिका है लगभग 50 से लेकर 60% तक। कहीं कहीं पे जैसे डेयरी जैसे मतलब उद्योग है या घर में बिजनेस है, व्यवसाय है, तो उसमें तो 100% महिलाओं की भूमिका रहती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज का हमारा विषय है गन्ने की कटाई करते समय सावधानियां जी, तो डॉक्टर साहब कटाई का मतलब यह है कि जब फसल हमारी तैयार हो जाती है। जी बिल्कुल सही बात है। और जब फसल तैयार हो जाती है तो हम कहते हैं कि उसकी कटाई कर लें,
लेकिन कटाई हम उसकी जब ही करते हैं कि उसको हमें आगे कहाँ भेजना है, उसका क्या सदुपयोग करना है, उस तरीके से हम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब कटाई की बात करते हैं और कटाई हम उस फसल की, क्योंकि गन्ना ऐसी फसल है एकदम उसकी कटाई नहीं की जा सकती जिस तरीके से, क्योंकि गन्ना हमारे किसान भाई उत्पादन करते हैं उसको तीन तरीके से, एक तो अपने काम के लिए, कुछ घर में उनको गुड़ निकालना हो, राब बनाने हो उसके लिए, कुछ किसान भाई गन्ने को क्रेशर पर सप्लाई देते हैं कि वहाँ से भी व्यवसायिक स्तर पे गुड़ का निर्माण होता है, करते हैं, वो लेते हैं। तीसरा बहुत बड़ा गन्ने का जो क्षेत्र है वो जो हमारे गन्ना मिल हैं जी, मतलब शुगर मिल जो बोले जाते हैं, वहाँ पे अपना गन्ना देते हैं और वो लेकर के उसकी पिराई करते हैं और चीनी तैयार करते हैं जी। तो जब कोई किसान मान लीजिए मिल के लिए गन्ना की कटाई कर रहा है तो क्या सावधानी रखे? देखिए, गन्ने की चाहे वो मिल के लिए करें, चाहे वो अपने एक कोलू पे सप्लाई देने के लिए करें या क्रेशर के लिए करें जी, अल्टीमेटली होनी गन्ने की ही कटाई है जी, बिल्कुल। हाँ, तो अब जब कटाई होनी है तो उसमें हमें कटाइयों के लिए क्या सावधानी होनी चाहिए और कैसे उसको गन्ने को हम जहाँ तक जाना है पहुँचाना है उसको पहुँचाने की भी ये हमारी जिम्मेदारी रहती है। विशेष करके अगर आप इन सब चीज़ों को कर लेते तो गन्ने के स्कीम में उसके जो वजन है, जो उत्पादन है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ज़्यादातर हमारे किसान भाई जब गन्ने की कटाई करते हैं तो उसमें गन्ने की कटाई में ज़्यादातर महिलाएं होती हैं या पुरुष भी होते हैं, दोनों के द्वारा गन्ने की कटाई की जाती है। तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है, जो भी हमारा उसमें मजदूर लगा हुआ है, कि गन्ने की कटाई जमीन की सतह से मिला करके करनी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहता है कि गन्ने की सतह से कटाई की जाए, तो उसमें दो फायदा होते हैं। एक पहला फायदा तो ये होता है कि एक तो गन्ना आपने अगर जमीन की सतह से 4 इंच 3 इंच 5 इंच अगर गन्ना छोड़ दिया और आपके पूरे गन्ने के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग आपके 2.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख अगर गन्ना है जी, तो उसका औसत अगर आप देखें तो पता लगेगा कि आपका लगभग 150-200 क्विंटल गन्ना आपने पूरे एक खेत के अंदर छोड़ दिया। अब किसान को अंदाजा नहीं लग रहा है कि हमने कितना गन्ना छोड़ दिया इसके अंदर, जो बाजार में अगर उसको शुगर मिल की मिल पे जाता या किसी क्रेशर पे जाता या किसी कोलू पे जाता तो निश्चित रूप से अगर उसका रेट देखें तो आपको कितना बड़ा नुकसान हुआ। एक तो ये आपको नुकसान हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान अब फिर आगे देखने को आपको मिलेगा कि जो गन्ना ऊपर की सतह से काटा जाता है, जमीन पे गन्ना लगभग 2 इंच 3 इंच 4 इंच आपने अगर छोड़ दिया तो उसमें जो ऊपर की आंख होगी वही सबसे पहले जमेगी और वो आंख या तो जम जाएगी या फिर उसका आंख है वो मर जाएगी। तो उससे क्या हुआ कि जो गन्ना आपकी नीचे की सतह से गन्ना फूट के आता है, आंख नीचे से फूट के आता है, वो ब्यांत ज्यादा करती है, उससे कल्ले ज्यादा निकलते हैं और ऊपर की आंख जो फूटती है उससे ब्यांत भी कम होता है और वो या एक गन्ना रह जाएगा या दो गन्ने बन जाएंगे मुश्किल से। तो एक परोक्ष रूप से किसान को ये यहाँ पे नुकसान हो गया है। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन है, उसको लेते हैं जी। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। इंद्रवीर तेवतिया, गांव नथुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ सर जी। जी बताएं तेवतिया जी। प्रश्न ये है कि अभी आप कटाई की बात कर रहे थे मिल में गन्ना ले जाने के लिए जी, तो सतह से जमीन से मिला के जो गन्ना काटे जाता है और ऊपर से अगोला जो काटे जाता है वो लगभग कितने ऊपर से काटा जाए जिससे कि गन्ना सही हिसाब से मिल में पहुंचे, और क्या उसमें पटाई को हटा करके गेहूं की बिजाई की जा सकती है? आपके दो प्रश्न हैं इसके अंदर। पहला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमारे किसान भाई तेवतिया जी, कि गन्ने की कटाई जो है आपकी जमीन की सतह से होना चाहिए। जमीन की सतह से जब आपकी कटाई होगी तो आपका गन्ने का जो अगली आपकी पेड़ी बनेगी उससे गन्ने का फुटाव भी ज्यादा होगा, ब्यांत भी ज्यादा निकलेगा और आपका पेड़ी भी अच्छी होगी। अब दूसरा प्रश्न आपका आता है कि ऊपर से अगोला कितना छोड़ा जाए या कितना काटा जाए। देखिए, ये आपको एक अंदाज देखना पड़ेगा, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है वैज्ञानिक, लेकिन आप किसान को पूरा आइडिया रहता है कि यहाँ तक हमारे गन्ने में मिठास है, यहाँ तक हमारा चीनी है।
तो वो वहां तक का लगभग ये माना जाता है कि जहां तक अगोले की गन्ने पत्ती चिपकी हुई है और आंख एक बन के आ गई है उसके ऊपर, एक प्रैक्टिकली रूप में ये देखिएगा कि आंख अगर उस पोई पे बन गई है तो वो गन्ना आपको मिल तक में पहुंचाने के लिए ठीक है। उस पर पाती कम से कम लगी चिपका गन्ना, जैसे बहुत से देखा जाता है कि उस पर हरी पाती बहुत चिपकी रहती है उसका गन्ना, वो पूरी तरह से साफ होनी चाहिएगा, एक तो ये, दूसरी बात है। अब तीसरा प्रश्न आपका आता है कि क्या पाती हटा करके उसमें गेहूं बोया जा सकता है कि नहीं जा सकता। देखिए, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 60% क्षेत्र पर ऐसा है जो गन्ना की पेड़ी काटने के बाद में गेहूं बोया जाता है, चाहे वो आपका बुलंदशहर हो, चाहे वो आपका मेरठ हो, चाहे वो आपका गाजियाबाद हो या मुजफ्फरनगर, बागपत, अमरोहा वगैरह, कहीं का भी कोई जनपद है उसमें 7% का क्षेत्रफल गन्ना काटने के या गन्ना पेड़ी काटने के बाद गेहूं बोया जाता है। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखें, विशेष रूप से मेरा आपसे अनुरोध रहेगा किसान भाइयों से कि गन्ने की पाती नहीं जलानी है, ये मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि अब इतने इसमें यंत्र आ गए हैं और मैं समझता हूँ बुलंदशहर जनपद में भी डीडी के यहाँ से कोई न कोई आपका कृषि यंत्र बैंक जरूर बना हुआ होगा, वहां से स्टेपलर जो है जो गन्ने की पाती को काटता हुआ और गन्ने के स्टेपर का काप में जो ठूंट है उसको भी छीलता हुआ गन्ने को बहुत अच्छी खेत को जुताई कर देता है, उसको उसी खेत में मिलाना है। मतलब हमारी पाती चाहे वो सूखी है चाहे वो हरी है, कैसा भी अगर उसके अंदर फसल का अवशेष पड़ा हुआ है, वो पूरा अवशेष उसी खेत के अंदर मिलाने का प्रयोग हमको करना है। और इसके लिए सबसे बढ़िया ये रहता है कि एक जुताई करने के बाद में आप उसमें यूरिया का थोड़ा सा अगर आप एक छींटा मार देंगे तो ये जो आपकी पाती वगैरह है बहुत तेजी से सड़ जाएगी और सड़ने के बाद में आपकी खाद का हरी खाद के रूप में एक काम करेगी और फिर उसके बाद में आप गेहूं बोएंगे तो बहुत अच्छा आपको गेहूं से उत्पादन मिलेगा। जी बिल्कुल तेवतिया जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर साहब ने आपके प्रश्न का विस्तार से जवाब दिया। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि गन्ने की कटाई में सावधानियां के बाद, लगता है किसान भाई का फोन है उसको पहले ले लेते हैं। जी नहीं, प्रश्न पहले लीजिएगा। हेलो नमस्कार जी, मैं सुहान शामली वेस्ट यूपी। जी ऐसा है कि थोड़ा सा अपना रेडियो सेट दूर कर लो या उसे धीमा कर लो। विनोद, क्या सवाल है आपका विनोद कुमार जी? गन्ने के अलावा गेहूं की जैसे बुआई का समय चल रहा है उसका भी बता सकते हैं क्या? हाँ पूछे, गेहूं के बारे में पूछना चाहे। गेहूं की बुआई कब से होनी चाहिए? विनोद कुमार जी, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई का जो समय सही आता है, देखिए अब तो सभी मतलब टीवी से कहीं न कहीं से जुड़े रहते हैं, जब तापमान औसत दिन और रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे चला जाए तो हमारी गेहूं बुआई का समय आ जाता है। इस समय अगर आप देखेंगे कि 20 और 35 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है तो इनको दोनों को जोड़ दीजिएगा और इनका आधा कर देंगे तो लगभग 25 के आसपास तापमान, 25, 26, 27 के आसपास औसत तापमान है। तो इसलिए मतलब एक तो ये तरीका है और दूसरा ये मान देखा जाता है अपने आप में कि नवम्बर के पहले हफ्ते से गेहूँ की बुआई का समय आ जाता है। तो गेहूँ की बुआई का जो हमारा समय से गेहूँ बोया जाना है वो नवंबर के पहले से लेकर के और 25 नवंबर तक, आप 30 नवंबर तक गेहूं की बुआई करिएगा, उसके बाद में पिछेते गेहूं की बुआई का समय शुरू होगा। ठीक है, फोन करने के लिए विनोद कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसे बहुत से किसान भाई जब आपने बताया कि कुछ गन्ना ऊपर छोड़ के काट देते हैं जी और उसमें जो किले निकलते हैं वो भी कम निकलते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब कोई चीज ऊपर खुली रहती है उसमें बीमारी लगने की भी तो संभावना रहती है। देखिए बीमारी तो लगेंगी ऊपर से जो कटा हुआ है जमीन की सतह से का भी है और ऊपर से बीमारी का लगने का डर रहता, कीड़े बीमारियों का प्रकोप तो संभावना ज्यादा बढ़ी जाती है खुले रहने पर। तो इसलिए मैं ये पहले आपसे बताया था कि किसान भाइयों को कि गन्ने की जो कटाई है वो जमीन की सतह से मिला करके करें और करने से एक तो उत्पादन उसका बढ़ जाएगा और उसकी पेड़ी की फुटाव भी अच्छा होगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोनों तरफ से किसान को फायदा अगर लेना है तो गन्ने की कटाई जमीन की सतह से करना है, सबसे पहला मूल मंत्र ये है हमारा। अब डॉक्टर साहब, जैसे गन्ने की कटाई की बात करते हैं लेकिन गन्ने में जिन किसान भाइयों ने जी मान लीजिए अगेती गन्ना बोया था पिछले साल जी वही कटाई समय कर सकते हैं, हाँ, अभी और जिन्होंने देर से बिजाई की है वो गन्ने की अभी कटाई का समय नहीं है, अभी नहीं है, अभी जो कटाई शुरू होगी जैसे शुगर मिल चालू होती है, कुछ लोग गन्ना खेत खादी करना चाहते जल्दी चाहते हैं तो वो लेकर के क्रेशर पे या किसी कोलू पे भेज देते हैं, लेकिन जो हमारा सितंबर और अक्टूबर में गन्ना बोया है या फरवरी मार्च का गन्ना बोया हुआ है वो ही इस समय या पेड़ी है,
वही कटने की स्थिति में होगा, अन्यथा सबसे पहले पीढ़ी कटती है और उसके बाद में फिर हमारा शरदकालीन बोया हुआ गन्ना वो कटता है और फिर उसके बाद में हमारा सामान्यतः फरवरी मार्च का जो गन्ना बोया होता है उसकी कटाई शुरू करते हैं किसान भाई। तो डॉक्टर साहब, बहुत से हमारे किसान भाइयों ने जो मान लीजिए गन्ना काट के कुछ बिजाई करते हैं, या उसके अलावा बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो इस समय शरदकालीन गन्ना बोना चाहते हैं जी, तो क्या बहुत सही प्रश्न कीजा उसका समय अभी है? नहीं, देखिए इस समय जो सबसे बढ़िया आइडियल समय कहेंगे, बिल्कुल ही एक अच्छा समय कहेंगे, जो किसान भाई शरदकालीन गन्ना बोना चाहते हैं उनके लिए बुवाई का बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप देखिएगा, मैंने अभी तापमान की बात जो कर रहा था कि इस समय गन्ने के जमाव के लिए बहुत ही बढ़िया तापमान है इस समय, जबकि गेहूं के लिए नहीं है, लेकिन गन्ने की बिजाई के लिए सबसे बढ़िया तापमान चल रहा है। तो जिन किसान भाइयों को शरदकालीन गन्ना बोना है वो तुरंत गन्ने की बिजाई शुरू कर दें, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि गन्ना लगभग 90 सेंटीमीटर पर या ट्रेंच मेथड से 1 मीटर के फासले पर गन्ने की बुवाई करें, और शरदकालीन गन्ने से अच्छा उत्पादन अगर उनको लेना है तो सह फसली खेती पर जरूर करें। आप प्रश्न ले लेते हैं हम किसान भाई जी। डॉक्टर साहब, किसान भाई का फोन आ रहा है जी। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाशरण है जी, जिला गुमसर, ग्राम बिहरा जी। गंगाशरण जी, क्या सवाल है? अच्छा, इसमें सूख रहा है गन्ना? देखिए गंगा सरन जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, कल आप जाइएगा अपने खेत में, जो गन्ने सूख रहे हैं उनकी मैं पहचान बता देता हूं, अगर इनमें से कोई होगा, एक सबसे पहले गन्ना जड़ से उखाड़िएगा, और जड़ से उखाड़ने के बाद में आप गन्ना बीच में से फाड़िएगा, अगर वो लाल रंग का निकलता है तो इस समय उसका कोई इलाज नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, आप क्या करेंगे कि अगर गन्ना ऊपर से जो सूख रहा है पूरा, वो उसमें सिकुड़न आ गई, उसकी पोई में सिकुड़न आ गई है, और उसको अगर जो गन्ने की पोई है उसको अंगूठे से अगर हल्का सा बजाएं तो आपको उसमें से आवाज फटी हुई ढोलक की तरह से आती है, ढप ढप की आवाज आ रही है, तो इसमें समझ लीजिए कि इसके अंदर उखटा रोग लगा हुआ है, बिल्ट लगा हुआ है। ऐसे गन्ने का भी अब इस समय कोई इलाज संभव नहीं है। मैं एज ए वैज्ञानिक होने के नाते मैं आपको सलाह ये दूंगा कि उसकी पेड़ी आप बिल्कुल, गन्ना की वैरायटी कौन सी, 0238 है, कौन सी वैरायटी आपकी? आप, मैं गंगाशरण जी आपसे यही कहना चाहूंगा कि अब उसमें आप पेड़ी मत लीजिएगा, क्योंकि आज आपका गन्ना आधा सूख रहा है या बीच बीच में कहीं सूख रहा है, अगली साल जब आप उसमें पेड़ी लेंगे तो ये जस्ट आपका डबल हो जाएगा, पूरा का पूरा खेत आपका बैठ जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल भी राय नहीं देता हूं कि आप उसमें अगली बार पेड़ी लगाएं, इसमें जो भी जितना आपको निकलता है उसको जल्दी से जल्दी, अगर कोलू चल गया है तो उस पर आप उसकी सप्लाई दे दीजिएगा, उसको जितने देर रोकेंगे उतना ही गन्ना आपका सूखन बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि इस खेत से अगर कोई आप गन्ना लेते हैं, कहीं बीज के लिए भी प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत अच्छे, बीज बीमारी लगी हुई है। हाँ, बीज न किसी को, अपना खुद इस्तेमाल करेंगे न किसी को देंगे। ठीक है, फोन करने के लिए गंगाशरण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो किसान भाई जागरूक है किस तरीके से, बहुत अच्छे जागरूक है हमारे किसान भाई। डॉक्टर साहब मान लीजिए ये बीमारी इनके फसल में आ गई, और जो अभी बस शरदकालीन बिजाई करना चाह रहे किसान भाई जी, और उनके में ये बीमारी ना आए जी, उसके लिए उन्हें क्या करना है? हाँ देखिए, ऐसा है, बिल्कुल आपने कहा, जो किसान भाई शरदकालीन गन्ने की समय बुवाई करने जा रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसे खेत से बीज लें जिसमें किसी तरह का कोई इस तरह की सूखने, रेड रोट, काना रोग का प्रकोप ना हो, या उकटा रोग का या स्मट की समस्या न हो रही हो, ऐसा बीज लें, निरोगी फसल हो, उसी से बीज का चयन करें। और साथ ही साथ में गन्ने के बीज के जो टुकड़े हैं, दो आंख का टुकड़ा जो आप काट रहे हैं, उसको किस फफूंदी नाशक दवा से उपचारित करें, साथ ही साथ में आप ट्राइकोडर्मा से जमीन को भी उपचारित करें जी। आप दो चीजें हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपसे उपचारित करने की भी बात भी पूछेंगे, लेकिन एक किसान भाई लाइन पे हैं। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, मैं राम कुमार, ग्राम मबीकला, जिला बागपत जी। बताइए राम कुमार जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जी, शरदकालीन जो गन्ना बो रहे हैं जी, डॉक्टर साहब ने बताया था कि ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें जी जी, तो पूछना ये है कि एकड़ में इसकी कितनी मात्रा देसी खाद में रड़ा के, हम इसे कुछ भिगो भिगो के, नमी सी दे के,
और बुआई के वक्त इस्तेमाल करें, इसकी मात्रा कितनी एकड़ में? देखिए, अगर आपका ट्राइकोडर्मा अच्छी क्वालिटी का है और बहुत पुराना रखा हुआ नहीं है, तो आपका दो से लेकर के 3 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से और 25 से लेकर के 30 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट, इनमें इसमें आपका 2 से लेकर के 3 किलो ट्राइकोडर्मा को अच्छी तरह से मिला दीजिए हाथ से, और मिलाने के बाद में किसी छायादार स्थान पे जहां धूप ना आती हो वहां पे इसको ढेर लगा करके हल्का पानी छिड़क करके और जूट के बोरे से, जो भी आपका पास जूट का बोरा हो लेकिन उसमें ये कोई दवा का न मिली हो या किसी खाद का ना हो, ऐसे बोरे से उसको लेकर के ढक दीजिएगा और उस पर आप दूसरे दिन पानी जरूर छिड़कते रहिएगा, मतलब उसमें नमी बनी रहे। तो आप ये देखेंगे कि जो आपने 2-3 किलो ट्राइकोडर्मा मिलाया था वो आपका 25 से 30 किलो ट्राइकोडर्मा बनके तैयार हो जाएगा 8 से लेकर के 10 दिन में। 4 से 5 दिन पर जब होता है तो उसको एक बार पलटाई जरूर कर दीजिएगा। और उसके बाद में हाँ, एक चीज और ध्यान रखें कि जब आप इसको खेत में इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि शाम के समय पर या सुबह के समय पर पूरे खेत में यूरिया की तरह से बिखेर दें और उसके बाद में तुरंत ट्रैक्टर चला करके उसको मिट्टी में मिला दें, जिससे इस पे धूप सीधी ना पड़ सके, तो बहुत अच्छा फायदा करेगा ये। ठीक है डॉक्टर साहब, 16202 वैरायटी, थोड़ी इसकी जानकारी और दे दो हमें। किसकी जी? 16202। देखिए वैरायटी, देखो जो भी आपको मिल रही है मिल क्षेत्र से वैरायटी रिकमेंड की गई होंगी, आपका जो शुगर मिल लगता होगा निश्चित रूप से आपको वैरायटी अच्छी दी गई है। और आप इसको विशेष रूप से बीज उपचार, देखिए हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरा बहुत अनुभव रहा है यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि ज्यादातर हमारे किसान भाई बीज को उपचार नहीं करते हैं, और अब थोड़ा सा चलन बढ़ा है तो आप बीज को उपचारित जरूर करिएगा और साथ ही साथ में खेत में ट्राइकोडर्मा मिला के चलेंगे तो ये काना रोग जो फैलता चला जा रहा है, लाल सड़न रोग फैलता चला जा रहा है, उससे बहुत कुछ हद तक हम लोग नियंत्रित कर पाएंगे। ठीक है राम कुमार जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, ट्राइकोडर्मा की तो आपने बता दी, लेकिन दूसरी और भी ऐसी दवाएं हैं जिसके द्वारा किसान भाई उपचारित करके गन्ने की बिजाई कर सकते हैं? हाँ, उसमें देखिए, ये तो आपने खेत उपचार की बात करी, हाँ, बीज उपचार की बात। हाँ, बीज उपचार के लिए आपको कार्बेंडाजिम है, जिसको बेबिस्टीन के नाम से भी जानते हैं, आप 3 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी के अनुपात में आप इसका घोल बनाइएगा और जो 2 आंख के हमने टुकड़े काटे हुए हैं उनको 8 से लेकर के 10 मिनट तक उस पानी में पड़े रहें टुकड़े, तभी बीज उपचारित होगा। हमारे यहाँ पे कुछ किसानों का मैं प्रैक्टिकली अनुभव आपको बताता हूँ कि ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, टुकड़े 2 आंख के टुकड़े काट लिए और उसके बाद में मशीन में दबाव का पानी भरा और लेकर उसके ऊपर छिड़क दिया। आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि जो इस तरह की काम करते हैं बीज उपचारित करने का, वो पूरी तरह से बीज उपचारित नहीं हो पाता है। हमें क्या, देखिए आप देखते होंगे कि गन्ना का जो टुकड़ा होता है उसके ऊपर खोई रहती है, उसके ऊपर हल्का वैक्स लगा रहता है, मोम जिसको कहते हैं, उसकी वजह से उसमें दवा का अंदर नहीं जा पाती है। और दवा कहां से जाती है? जो हमारे टुकड़े कटे हुए हैं, कटे हुए सिरों से। तो इसलिए जब तक वो कटे हुए सिरे से पानी उसके अंदर नहीं जाएगा तब तक आपका बीज उपचारित नहीं माना जाएगा। तो किसान भाई कृपा करके बीज उपचारित इसी विधि से करें। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, बात और भी आगे करेंगे, कार्यक्रम जारी रहेगा, थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहैलाइट डाली जाएगी आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहैलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएगी। आईपीएल की पॉलीहैलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहैलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉलीहैलाइट। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में, इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें। तो हमारे कार्यक्रम का विषय है गन्ने की कटाई करते समय सावधानियां। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा उत्तर प्रदेश से। तो जो भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और जानना चाहते हैं गन्ने की कटाई से संबंधित विषय पर जानकारियां और जानना चाहते हैं अपने प्रश्नों का जवाब, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 2342-1082, हमारा दूसरा फोन नंबर है 2342-1083, और इससे पहले आप जो है 011 लगाना जरूर करें। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो चलिए चलते हैं हम सीधा अपने विशेषज्ञों के पास और जानते हैं गन्ने की कटाई करते समय सावधानियों से संबंधित जानकारियां। डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी, कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत है। सभी किसान भाइयों को मैं पुनः एक बार सभी का नमस्कार, राम राम। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज का हमारा विषय है कि गन्ने की कटाई करते हैं समय सावधानियां, और उसके साथ साथ गन्ने से जुड़ी हुई जो भी हमारे किसान भाइयों की समस्याएं होती हैं उनको भी हम लेते हैं जी। और उसके साथ साथ जो इस समय गन्ने में समसामयिक कार्य होते हैं उन पर भी हम बात करते हैं जी। तो जो हमारे किसान भाई इस समय गन्ने की मान लीजिए शरदकालीन बिजाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं या जिन्होंने कर ली है, तो क्योंकि गन्ना एक बहुत लंबी फसल है, एक साल की है जी। और जमाव भी गन्ने में धीरे धीरे होता है और गन्ने की जो एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी बहुत होती है जी, तो उसमें खाली स्थान होता है। हाँ। और उस खाली स्थान से किसान भाई क्या फायदा लें, किस तरीके से उसमें कोई सह फसली उगाएं जिससे उन्हें मुनाफा हो और जो गन्ने की फसल है मुख्य फसल उसको भी कोई नुकसान ना हो। ना हो, बहुत सही आपने शिवनंदन जी प्रश्न पूछा है। देखिए किसान भाइयों, मैं ये पहले कहता हूँ कि गन्ने की अगर तीन फसलें हम लोग लेते हैं, एक शरदकालीन गन्ना लेते हैं, बसंतकालीन लेते हैं और गर्मी का लेते हैं, तो जिसमें अगर पैदावार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम अच्छी पैदावार जो मिलती है वो हमको शरदकालीन गन्ने से मिलती है जी। और उसके बाद में हमको बसंतकालीन से मिलती है और सबसे कम पैदावार जो हमको गर्मी का जो गन्ना है उससे पैदावार मिलती है। तो किसान भाइयों, और शरदकालीन गन्ना की जो बुवाई का भी मैंने कहा था कि इस समय बुवाई के लिए सबसे बढ़िया आइडियल समय हमारा चल रहा है, तो किसान भाई इस समय गन्ने शरदकालीन गन्ने की बुवाई जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा जिनको किसान भाइयों को करनी है। अब गन्ने की जो बुवाई की बात हो रही थी कि उस मृदा का उपचार कर लीजिए, वो हमने ट्राइकोडर्मा से आपको बताया ही था, साथ ही साथ में हमने कहा था बीज का उपचार जरूर करें। बीज के उपचार के लिए भी हमने बात की थी कि आपका 3 ग्राम वेबिस्टिन ले लीजिएगा और उसमें 1 लीटर पानी में घोलिएगा और 10 मिनट तक टुकड़े उसमें डाल करके तब उसके बाद बिजाई आप करेंगे, तो जो आपकी काना रोग है, फफूंदी जनित जो बीमारियां हैं, क्योंकि बीमारियां जो आपकी आती हैं या तो बीज से आएंगी या आपकी जमीन से आएंगी, जब हम दोनों चीज़ों को उपचारित कर देंगे तो ये आपका लाल सड़न है या उकठा रोग है या स्मट है, ये इस तरह की बीमारियां आपको गन्ने में नहीं लगेंगी और गन्ने की पैदावार हमको अच्छी मिल जाएगी। अब दूसरी बात आती है कि गन्ना हमारे सामान्यतः लगभग 10 माह से लेकर के 12 माह हमारी खेतों में रहता है जी। तो इस लंबी अवधि के बीच में यदि किसान भाई गन्ने की फसल एकल रूप में लेता है तो ये किसी भी स्थिति में देश के लिए और वो किसान के लिए फायदेमंद नहीं है, उस किसान के लिए भी नहीं है और ये देश का भी लॉस करता है। देश का लॉस इसलिए है कि जमीनें हमारी बड़ा संकुचित होती जा रही हैं, छोटी जोतें हमारी होती चली जा रही हैं, तो हमको प्रति बीघा या प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर में अधिक से अधिक पैदावार लेनी है, ज्यादा से ज्यादा फसलों की लेनी है, तो उसके लिए गन्ना हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना लिया जाता है या जिन राज्यों में गन्ना हम लेते हैं तो वहां पर शरदकालीन गन्ने के साथ में सह फसली खेती लेना बहुत ही आवश्यक है जिससे कि हमारा मुनाफा अधिक हो सके। और इसमें शरदकालीन जो फसलें हमारी हैं उनका हमारे पास में ऑप्शंस ज्यादा रहते, ज्यादा फसलें होती हैं,
जैसे कि इस समय अगर हम शरदकालीन गन्ने लेते हैं, सबसे ज्यादा हम सरसों की फसल ले सकते हैं, सब्जी वाली मटर ले सकते हैं, लहसुन की फसल हम उसके साथ ले सकते हैं, प्याज की फसल हम उसके साथ ले सकते हैं। साथ ही साथ में सब्जियों की तरफ आए तो हम फूल गोभी है, बंद गोभी है, टमाटर है, मूली है, सारी फसलें, बैंगन है, वो गन्ने के साथ में हम सह फसली खेती की तरफ ले सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम फूलों की बात करें तो फूल की खेती भी हम, गेंदा है आपका, ट्यूबरोज है आपका, ग्लैडुलस है, ये फूल की खेती भी हम गन्ने के साथ में ले सकते हैं और कुछ किसान भाई कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे हम गन्ने के कटाई की भी बात कर रहे थे, हमारे किसान भाई गन्ने की कटाई करके जब मील में ले जाते हैं जी, और बहुत से हमने देखा है कि सड़क पे चलते हैं या रास्ते में चलते हैं, गन्ने को कभी ट्रैक्टर में ले जाते हैं, कोई अपने बुग्गी में ले जाते हैं, तो उसमें क्या है कि उसको किस तरीके से ले जाएं, क्या सावधानी रखें, क्योंकि कभी शिकायत लगती है कि गन्ने को उसको इतना भर दिया कि ट्राली पलट गई। हाँ। या कभी रास्ता कोई जाम हो गया, क्योंकि यातायात को भी दिक्कत ना हो। जी देखिए, बिल्कुल, आपने एक सामाजिक कार्य की तरफ अगर हम इसको देखें कि एक तकनीकी न होकर के ये कि एक सामाजिक जिम्मेदारी हमारी सभी किसान भाइयों की, और जो भी गन्ना की खेती करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन ले लेते हैं पहले। हेलो। हेलो जी, मैं बिजनौर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अब्दुल हमीद है। गन्ने की जो कटाई के बारे में बात चल रही है कि गन्ने की कटाई के लिए कोई मशीन भी आ गया आज के समय में? देखिए, गन्ने की कटाई की मशीनें अपनी देश में भी आ गई हैं, अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई हैं, मतलब अभी किसानों के तक पहुंच तक नहीं आई है। हालांकि कुछ तराई के कुछ जिले में हैं जहां पे अभी मशीनें ये आ गई हैं और उनसे कटाई गन्ने की होती है, और मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने आपने यूट्यूब पर वगैरह पर भी देखा भी होगा, और मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी आपको ये मशीनें भी पॉपुलर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है कि आपका मशीन का काटने के बाद में आप उसमें, दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा था? हाँ, डबल रो, डबल। देखिए, ऐसा है कि ये आपका मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता कितनी है। आप सिंगल रो में भी गन्ना बोते हैं और डबल रो में भी गन्ना बो सकते हैं, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में 30 से लेकर के 40-45 सेंटीमीटर के बीच का फासला रख करके दो लाइनें पैरेलल लेते हैं, और ये ज्यादातर टेंच मेथड में रहता है जहां पे 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक का फासला हम लोग रखते हैं। लेकिन देखिए, इसमें जो डबल रोल लेते हैं उसमें सबसे बढ़िया फायदा ये हो जाता है कि हमको गन्ने की बंधाई बड़े आसानी से हो जाती है, और पैदावार भी लगभग 10-15% हमारी बढ़ जाती है। ट्रेंच मेथड से भी मैं अगर डबल रोल लेते हैं, सवाल ये आता है कि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और उर्वरक प्रबंधन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप डबल रो मेथड से भी गन्ने की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि गन्ने को कटाई के बाद ले जाने के लिए हमारे किसान भाई क्या सावधानी बरतें। देखिए, सभी किसानों से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि देखिए, गन्ने की कटाई के बाद में जब आप उसको मिल पर ले जाते हैं तो बड़ा ही इसको बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से एक ऐसा करके लेके जाएं जिससे, क्योंकि जब आप सड़क पर चलते हैं तो निश्चित रूप से उस पर और भी यातायात चलता है, और विशेष करके जो टू व्हीलर वाला हमारा यातायात होता है वो रात के समय पर बड़ा ही एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो किसान भाई ट्रैक्टर से ले जाते हैं वो कृपा करके जो साइडों में लगभग 1-1.5 फीट भर के साइडों से निकाल देते हैं गन्ना, वो एक कृपा करके ऐसा न करके ले चलें। गन्ने को सीधा सीधा रखें और जितनी आपकी ट्रॉली की चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई तक गन्ना को रखें, बाहर न निकालें। बाहर जब गन्ना निकलता है तो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो उससे बड़ा एक्सीडेंट होते हैं, और लोग कभी कभी अपनी जान को भी गंवा देते हैं। तो दूसरा, जो ट्रॉली है उसके ऊपर रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं। देखिए रिफ्लेक्टर, क्योंकि अब जैसे जैसे आपका सर्दी बढ़ेगी, कोहरा भी बढ़ेगा और दिखाई देना कम हो जाएगा कहीं की अंधेरे में, तो इसलिए रिफ्लेक्टर बहुत जरूरी है, रिफ्लेक्टर से ये क्लियर हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, हमारे किसान भाई अब धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं, और बहुत से हमारे किसान भाई लगाते भी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे किसान भाई इसमें मनोरंजन भी करते हैं जी, और डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो हम किसान भाइयों को एक रागनी सुनवा दें। बिल्कुल, मनोरंजन भी हमारे किसान भाइयों का होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, तो किसान भाइयों को सुनवाते हैं एक रागनी। हे लक्ष्मण भैया, आज मेरी कुटिया में चोरी हो
होगी रे जंगल बियाबान बीच में जनक दुलारी खोगी रे जंगल बियाबान बीच में जनक दुलारी खोगी रे माता ने रे पहलम ते के कई माता ने दे दिया देसी निकाला बन में बकत बितान लाग रे भिक मंगा ती तारा मेरे होनहार बलवान जगत में कोई ना चलता चाला अरे आन ते सीता ने मेरा मुंह करवा दिया काला हेरे मिथिलेश्वर की बाला मेरी रे मिथिलेश्वर की बाला मेरी अधवर नाव डुबोगी रे जंगल बिया बाण बीच में जनक दुलारी खोगी रे जंगल बिया बाण बीच में जनक दुलारी खोगी रे की लता पता रे हे इस वन की लता पता सी ताका पता बता दो रे जिधर गई सीता सतवंती उधर मने पहुंचा दो रे हे इस वन के जीव जंतु इस जन की जान बचा दो रे एक बार ओ सुमरग नैनी की सूरत मने दिखा दो रे हेरे दुखियारे का दुख मिटा दो दुखियारे का दुख मिटा दो भारी विपता भोगी रे जंगल बिया बाण बीच में जनक दुलारी खोगी रे जंगल बिया बाण बीच में जनक दुलारी खोगी रे हेरे ठंडे जल का लोटा लेके रे ठंडे जल का लोटा लेके खड़ी गेट पे पाती रे पीछे भोजन करया करे थी पहलम मने जमाती रे हेरे कोमल कोमल हाथ कमल ते नित दिन चरण दवाती रे सूनी कुटिया देख आगे मेरे बर बर आती छांसी रे हेरे कोई ना पार बसाती मेरी कोई ना पार बसाती मेरी बैरन किस्मत सोगी रे जंगल बिया बाण बीच में जनक दुलारी खोगी रे जंगल बिया बाण बीच में जनक दुलारी खोगी रे कोई ना कोई पोछन आला आंसू रे
सीता सीता कहते कहते दुखन लागी पासुरे। तेरा जनक दुलारी जान मेरी और मैं सीता की जासूर है। सीता सतवंती बिन भैया मैं जीने का नासूर है। तेरा तोता राम का कहना से वो तोता राम का कहना से वो बीज में पतके बोगी रे। जंगल बिया बाण बीच में जनक दुलारी खो भी रे। जंगल बिया बाण बीच में जनक दुलारी खो। तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे लेखराज से गाई हुई है रागनी और किस्सा था रामायण का। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ते हैं जी। और डॉक्टर साहब जो हमारे किसान भाई इस समय मान लीजिए गन्ने की कटाई कर रहे हैं जी, और क्या जो गन्ने की पेड़ी की कटाई करते हैं जी, तो उसमें क्या कृषि क्रियाएं करें, और उसके साथ साथ अगर उसमें सह फसली लेते हैं तो उसके लिए सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन किस तरीके से करें। इस समय पेड़ी कट रही है तो उसमें तो किसान भाई निश्चित रूप से ज्यादातर गेहूं बोएगा या सरसों बोएगा इस समय जो आपकी कट रहा है जी। तो उसमें तो किसान का जो उर्वरक की प्रबंधन होगा गेहूं के लिए जो कृषि वैज्ञानिकों की जो संस्तुति है ये मृदा परीक्षण के आधार पर है या वैज्ञानिक संस्तुति है 120 किलोग्राम नत्रजन 120-60-40 के हिसाब से आप नत्रजन फास्फोरस और पोटास देने की संस्तुति की जाती है आपकी सरसों में। और अगर गेहूं लेते हैं तो 150 किलोग्राम नत्रजन आपका 60 किलोग्राम फास्फोरस और 45 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर। जी डॉक्टर साहब एक किसान भाई को फोन ले लेते हैं। हेलो जी। हेलो हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन भाई बोल रहे हैं? मैं हरिचंद शर्मा ग्राम कैली तहसील सरधना जिला मेरठ यूपी से बोल रहा हूँ जी। हरिचंद जी क्या सवाल है आपका? मेरे तीन सवाल हैं जी, जी पहले जी। तो ये बताओ गन्ना जो शरदकालीन बोया जाता है इसमें कौन सी वैरायटी लगावें जी? नंबर एक जी। दूसरा यो है इसमें कितनी चौड़ाई रखे खूड से खूड की जी, और जी। तीसरा यो है कोई बोने के बाद कितने दिन पानी लगाया जाए अर्थात सिंचाई कराई जाए। तीन बात है जी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब जी। देखिए इस समय जो आपके गन्ने की बुवाई शरदकालीन आप अगर आप कर रहे हैं तो जो प्रजातियां आप बसंतकालीन में या गर्मी में इस्तेमाल की बुवाई की जाती है वही प्रजातियां आपकी शरदकालीन में भी हमारे किसान भाई बुवाई कर सकते हैं। उनके लिए कोई अलग वैरायटी की संस्तुति या अलग कोई प्रजातियां शरदकालीन के लिए संस्तुत नहीं की गई हैं, वही प्रजातियां होती हैं ठीक है। दूसरा हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर किसान भाई गन्ने की जो बुवाई है वो ट्रेंच मेथड से ही करते हैं, और ट्रेंच मेथड में ज़्यादातर आपकी 1 मीटर का या 1.25 मीटर या 1.5 मीटर का फासला वो ट्रेंच मेथड में रखते हैं शरदकालीन में। लेकिन शरदकालीन में ये जरूर ध्यान हमारे किसान भाई करें कि उसके साथ में सह फसली हमको कोई ना कोई फसल जरूर लेनी है, तभी आपको फायदा मिलेगा, अच्छा फायदा मुनाफा मिलेगा। एकल गन्ने की एकल फसल आपको नहीं शरदकालीन में लेनी है और नहीं बसंतकालीन में लेनी है। एकल फसल अगर आप लेते हैं तो आपको आर्थिक रूप से नुकसान है। अब मैंने शरदकालीन गन्ने के साथ मैंने बताया था कि आप सरसों ले सकते हैं, आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं, सब्जी वाली मटर ले सकते हैं। आप, जी इनका सवाल था कि इस समय गन्ने की जो चौड़ाई कितनी रखे लाइन से लाइन? हाँ लाइन के लाइन मैंने बताया कि लाइन से लाइन की जो दूरी है वो ट्रेंच मेथड में 90 सेंटीमीटर सामान्यतः रखते हैं, 90 सेंटीमीटर से कम की दूरी ना रखें, या आप 1 मीटर का से लेकर के 1.5 मीटर तक का फासला एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में। तीसरा सवाल था इनका पानी प्रबंधन की सिंचाई प्रबंधन। हाँ सिंचाई देखिए सामान्यतः गन्ने की जब पहला पानी जो लगता है वो गन्ने की पूरा जमाव होने के बाद लगता है, और पूरा जमाव सामान्यतः हमारा 15 से लेकर 20 दिन में गन्ने का पूरा जमाव हो जाता है जी। फोन करने के लिए हरिश्चंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और निश्चित तौर पर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह मिश्रा जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और किसान भाई काफ़ी जुड़े, काफ़ी उनके सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी स्टूडियो में बुलाने के लिए, और मेरे उन सभी किसान भाइयों को जिन्होंने ये मेरा कार्यक्रम सुना। राम राम जी।
अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटैश लिमिटेड। खेतों में जब पॉली हैलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। IPL की पॉली हैलाइट, IPL की पॉली हैलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएगी। IPL की पॉली हैलाइट, IPL की पॉली हैलाइट, मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉली हैलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद IPL की पॉली हैलाइट। इसी के साथ हमारा कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी सुनने वालों को हमारा राम राम, 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 राम।